Hello everyone, so welcome back to our channel. Today I'm here for the review of a smart tire inflator that comes to around 2300. इसको मैं अराउंड 1 month से यूज़ कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम सारे फीचर्स देखने जाएंगे, इसकी बैटरी लाइफ और इसकी क्या पावर कैपेसिटीज़ हैं. So let's start the video without wasting any time. So guys, let's start with the unboxing of our pump. So आपको इसके बॉक्स में मिलता है आपकी मेन बॉडी ऑफ द पंप, साथ में आपको मिलती है एक पाइप जो आप कनेक्ट करते हो इसको पंप से लेके टायर के वॉल तक. नेक्स्ट थिंग आर द वॉल्स जो आप यूज करते हो अलग अलग तरह के चीजों को इन्फ्लेट करने के लिए, जैसे आपकी फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वाटर पूल हो, या बाइक का टायर, कार का टायर और आपकी बाइसाइकिल का टायर. मैंने इसको बेसिकली यूज किया है एक बाइसाइकिल के टायर के लिए और बाइक के टायर के लिए फॉर द लास्ट 1 month. एक और चीज आपको मिलती है, दैट इज द यूएसबी केबल ऑफ सी टाइप. आप इसको सी टाइप से चार्ज कर सकते हो. रिव्यू इसका हम लास्ट में करते हैं, पहले हम इसकी टेक्निकल बातें कर लेते हैं. सो नाउ टॉकिंग ऑफ द टेक्निकल फीचर्स ऑफ दिस पंप, आप इसको यूज कर सकते हो अलग अलग तरह की चीजों के लिए, जैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग में बताया. बट जो टायर प्रेशर आपको मिलता है दैट इज ऑफ 2 to 150 PSI. जैसे आपका रोड बाइक होता है तो आपको इसमें 110 PSI भरना पड़ता है, आपका MTB आ तो आपको इसको 70 to 80 PSI भरना पड़ता है, आपकी बाइक है तो उसको आपको 35 to 40 PSI भरना होता है. तो आप इसको किसी भी तरह की चीजों के लिए यूज कर सकते हो, काफी वाइड इसका एरिया यूज का. टॉकिंग अबाउट द बैटरी लाइफ ऑफ द पंप, आपको इसमें मिलता है 4000 mAh की बैटरी जो कि काफ़ी यूजफुल है. मतलब आपको एक बार इसको चार्ज करना है और आप इसको 3 to 4 times अपने टायर को इन्फ्लेट कर सकते हो. मैंने इसको 1 month लगाया ऑलमोस्ट रिव्यू बनाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर मैं एक चीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ जो कि इतना प्राइस में है, 2300 का ये पंप है, आप एक बार लोगे इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ करोगे तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार इन्वेस्टमेंट हो और काफ़ी टाइम तक चले. तो ये पंप उस टेस्ट पर काफ़ी अच्छी तरह से खड़ा उतरा. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द यूजेज ऑफ द पंप, आपको इसको जब यूज़ करना हो तो काफ़ी ईजी है. जैसे कि मैंने कहा, इसको आपको पाइप मिलती है जो आपको पंप से कनेक्ट करनी होगी, देन आप उसको वॉल से कनेक्ट कर सकते हो इजीली. अगर आपका स्ट्रेडा वॉल्व है जो कि मोस्टली MTB या आपकी बाइक में मिलता है तो बहुत इजी, आपको उस पर करके बस इसको एक बार रोटेट करना होगा, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा. देन आपको पंप को लॉन्ग प्रेस करना होगा जिसकी वजह से पंप ऑन हो जाएगा और आपको एक डिस्प्ले मिलेगा. डिस्प्ले में आपको बैटरी के लेवल्स दिखेंगे. अगर बैटरी लेवल बिल्कुल कम है, अराउंड 10 to 0% है, तो आपको रेड कलर का दिखेगा. अगर वो बैटरी लाइफ अराउंड 10 to 40 or 60% है तो आपको ऑरेंज कलर का दिखेगा. अगर आपकी फुल बैटरी है अराउंड 70 to 100% तो आपको ग्रीन कलर का दिखेगा. उसके हिसाब से आप अपनी बैटरी लाइफ देख सकते हो. और टॉकिंग अबाउट द चार्जिंग टाइम ऑफ द पंप, आपको इसको अराउंड 1 hour लगता है अगर आप एक 5 volt का चार्जर यूज़ कर रहे हो फॉर द USB केबल. वैसे मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ कर लिया ऑलरेडी, बिकॉज मैंने जब ये लिया था तो मुझे इतना इससे टू बी ऑनेस्ट उम्मीद नहीं थी. मुझे तो ये इसलिए चाहिए था कि मैं देखना चाहता था कि पंप कैसे यूज़ करता है, बिकॉज आने वाले टाइम में लॉन्ग राइड्स हो सकती हैं. लॉन्ग राइड्स में क्या होता है कि हमें पहले एनर्जी नहीं होती, 100 kilometers आपने राइड किया हुआ है, बिल्कुल आप थके हुए हो और ऊपर से आपका पंचर हो गया और आपको अब उसको पंप करना है, तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पर क्या हालत होती है एक राइडर की. तो मेरे को लगा था कि एक पंप ले लेता हूँ ऐसा, कि उस टाइम में कम से कम रेस्ट तो ले लूँगा, आराम से बैठ के पंप अपना काम करेगा और मैं आराम से बैठ के देखूँगा बस. तो ये पंप अराउंड आपको 4 to 5 minutes में एक बाइक का टायर फुल करके दे सकते. सो गाइज, इसके सारे फीचर्स मैंने आई होप आपको बता दिए, इसका यूसेज, इसकी अनबॉक्सिंग आपने देख ली है. टॉकिंग अबाउट द ऑनेस्ट रिव्यू, अगर आप चाहते हो कि एंड में मैं एक लाइन बोलूँ इसके बारे में, तो ये है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अपने 2300, क्योंकि ये ऐसा पंप है जो एक तो बैटरी लाइफ अच्छी है और टायर प्रेशर काफ़ी अच्छा कर देता है. ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. इसका वेट है वो भी काफ़ी ठीक है, मतलब इतना हैवी नहीं है कि आपको राइड पे लेके जाना हो तो काफ़ी मुश्किल होगा. आप इसको अपनी बैक पॉकेट में रख सकते हो, जर्सी की जो बैक पॉकेट होती है, वो साइज़ भी काफ़ी छोटा है. सो गाइस, दिस वाज फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू डू देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब चैनल इफ यू आर न्यू हियर. और अगर आपको उसको परचेज करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ ताकि आपको सर्च ना करना पड़े. और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैंने इसको परचेज किया और आपके लिए रिव्यू बनाया, बिकॉज काफ़ी राइडर्स को एक जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद जब इतनी लंबी लंबी राइड्स की हैं उसमें मेरे को पता है कैसा फील आता है एक पंचर होने पे. सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.